चेस लेने आए हैं जी, वो हमारी बाइक खड़ी है सैर और तफरीह के लिए आए हैं। ये फलम्यूशन मचाते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं राना हसन हूँ कलूरकोट से, और मैंने जो है बीएस इन मैस कम्युनिकेशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से। मैं पहले भी जो है यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और अब जो है मेरा दिल किया कि व्लॉगिंग चैनल बनाता हूँ ताकि मैं जो है अपने इलाके को एक्सप्लोर कर सकूँ और वो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा सकूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई मौजूद हैं, और इनसे पूछेंगे कि हम क्या करने आए हैं दरिया पे। हम चस लेने आए हैं जी, वो हमारी बाइक खड़ी है, मैं चलाऊंगा लेकिन अब। अच्छा, ये जो है वो चस लेने आए हैं, लेकिन मुझे जो है वो छोटा सा काम था, क्योंकि मैं राना एहसान के साथ जो हमारे एक इलाके के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ काम करता हूँ, तो उसी हवाले से जो है हमने दरिया सिंध की जो है फुटेजेस लेनी थी। कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड आने का ख़तरा है, और उसी हवाले से हुकूमत के क्या इकदाम है, ये चीज़ें जो है हम लोगों को बताएंगे उस न्यूज़ के अंदर। लेकिन फिलहाल सीरियसनेस को छोड़कर एंजॉय करते हैं। क्या लेते हैं? चस। ठीक है, चस लेनी है, और वो हमारी बाइक खड़ी है। ये हमारी बाइक है, और अब हम जा रहे हैं, हम दरिया पे हैं, और पार्टी करने का मूड है लेकिन कर नहीं सकते यहाँ पे। बाइक आप चलाएंगे? नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। भी अच्छा, मैं खुद चलाऊं? हाँ जी, अपने आप चलाएंगे। अच्छा चले। ये कितना मुश्किल है, ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत एरिया यहाँ पे बंद लगा हुआ है, चूंकि कुछ अर्सा पहले जो है वो यहाँ पर सैलाब आया था, और इतना शदीद पानी था कि ये आप देखें कि ये जगह जो है वो पानी की वजह से यहाँ पानी यहाँ तक था। अब तो चूंकि दरिया की जो है वो साइड परली साइड पे जा रहा है पानी, ज़्यादा कच्चे का एरिया कहते हैं। ओ भाई, मैं तो उठाऊंगा, जा मेरी कुछ तेरे को। हाँ हाँ भाई, मैं रह गया चलो भाई। हम जो है ये मैंने दिया था कैमरा इसको शामी को कि मैं थोड़ी सी डैश मार लूँ, उसके बाद इसने डैश मरवाई और अब मेरे साथ है। चले, बंद हो गया बाइक यार। गलत जगह नहीं, गियर के अंदर है बाइक, सेल्फ स्टार्ट है इसलिए ना बंद हो गया ये ना। अच्छा यार, अभी भी गियर में है। अच्छा अच्छा, चले कैमरा उस तरफ करते हैं, लोगों को ना दिखाते हैं उस साइड पे। चलो, क्या व्यू है, कैसी आ गई, क्या आ रही है ना, ये सामने दिखाएं यार, ये वही बंद है। मैंने आपको बताया था कि ये नवाज शरीफ की मेरे ख्याल से जो है वो हुकूमत थी उस वक्त, जो है वो शहर चूंकि डूब रहा था और दरिया का जो कटाव है वो शहर की तरफ था, उससे बचने के लिए ये पत्थर लगाए गए थे, और ये पत्थर आज भी मौजूद हैं और हमारे इलाके की खूबसूरती को जो है वो चार चांद लगाती हैं। ये चीज़ें लगाती हैं या नहीं? लगाती हैं। ये दरिया की खूबसूरती, और यहाँ पे हमारे एक प्यारे भाई आए हैं, चूंकि ये दौर इतना ज़्यादा साइकिल का नहीं है लेकिन इनको देख के खुशी हुई है, एक तो इंसान फिट बहुत रहता है। और जी भाई बताइएगा आप क्या करने हैं? भाई ये सैर व तफरीह के लिए आए हैं। सैर व तफरीह के लिए आए हैं, खूबसूरत लगता है आपको दरिया? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। और साइकिल का क्या राज है जी? जी बस गरीब लोग हैं। गरीब हैं या वैसे फिटनेस के? गरीब लोग हैं। चले, अल्लाह आपको यार बहुत ज़्यादा दे, ये दुआ है हमारी, हमारे इलाके को तरक्की मिले। जी ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ भाई शामी, ले रहे हो चस? हाँ भाई, चस आ गई। और हमने तो देख के पीछे करना चाहिए, हम आगे आ गए हैं। ये चूंकि पत्थर है नीचे लगा हुआ सारा, और एक यूँ समझेगा ढलवान सी है, अगर यहाँ से इंसान गिरे मेरा नहीं ख्याल उसको कुछ बचेगा, और अगर यहाँ से बच जाते पानी नहीं छोड़ेगा उसे। और शामी पानी नहीं छोड़ेगा, वही मैं भी यही कहता हूँ, पानी नहीं छोड़ेगा और क्या। अच्छा, हम दोनों एक ही बात कर देते हैं ना। हाँ बस ठीक है, मेरे दिमाग मेरा कुछ है ना यार, मैं सारी तकरीब करूंगा कि हाँ एक तकरीब याद आई, बता दें। पानी चल रहा है भाई, पानी, ये भाई बारिश आ रही है, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। ये हमारे बहुत बड़े फिलासफर हैं सिंध से, ये उनका फलसफा था कि जितनी ज्यादा बारिश आएगी उतना ज्यादा पानी आएगा, और जितना ज़्यादा पानी आएगा उतने ज़्यादा गरीब लोग जो है वो जलील होंगे। पिछले साल भी पाकिस्तान के अंदर फ्लड था,
और अब की बार भी चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर डैम बनने पर भी इख्तलाफ, इंसाफ होने पर भी इख्तलाफ, और कोई भी चीज़ जो आवाम के हक में बेहतर हो उस पर इख्तलाफ होता है। चलें, ये तो सीरियस बातें हो गई। हाँ विशामी, चलें। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, हाँ, कैसे गिरना है, तो मैं गिर के देखूं। नहीं नहीं नहीं, 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 मैं मरूंगा। ये रहने देते हैं, अभी बहुत जीना है आपने ना। अच्छा। तो आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा दरिया का। अगर नहीं आया ना तो फिर भी कोई बात नहीं है यार। नहीं, नहीं, होता है इंसान की पसंद ना पसंद का ना। आपको चस आई है, ये बंदा ठीक है यार। हवा चल रही है, अल्लाह के बंदे, सब्जा सब्जा इधर यार, चारपाई यहीं डाल के ना लेट जाए बंदा। अच्छा, इंदा लेके आया करेंगे साथ। पता नहीं आएंगे इंदा के बाद, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, हम आया करेंगे जब दिल करेगा। ये सामने भट्टों से निकलता हुआ धुआं देखें आप, ये जो है हमारे शहर की खूबसूरती को चार चांद और ज्यादा लगा दे। करते हैं ये फलम्यूशन मचाते हैं, फलम्यूशन मचाते हैं जी, इतनी हमारा जो सब्जा सारा खत्म कर देते हैं। ये सारा सूख गया, ये देखें, ये सूख गया भट्टों की वजह से। और क्या मचाते हैं ये तो बता दें हमें। ये फलम्यूशन मचाते, फलम्यूशन तो इसको सही अगर हम कहें तो पोल्यूशन है ये। अच्छा। यानी आलूदगी। कोई नहीं, छोटे आप, हो जाता है भाई। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इधर से जाऊं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि हमने काम करना है, कि मैं जाता हूं, आप यहीं रहें, फिर लेने आ जाऊंगा आपको। ठीक है, आप लेने आ जाना यार। अच्छा, ये अब कैमरा कौन पकड़ेगा? मसला तो ये है मेरे लिए, कैमरा मुझे दे के नहीं, चले जा। मैं कैसे काम करूंगा, आप चले जाए मुझे मेरे। अच्छा, मैं चलता हूँ यार, इसको यहीं छोड़ते हैं, ये सही हो जाएगा। हम जा रहे हैं और ये देखते हैं कितनी देर यहाँ रहता है। ठीक है शामी, अच्छा आएंगे साथ। अच्छा यार, ले जाना चाहिए या नहीं इसको, इसकी हरकतें नहीं है वैसे ना जाने वाली। चले फिर, ये हम दोनों जो है इकट्ठे बाइक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चल गया, छोड़ देना। ये अब हम जा रहे हैं वापसी पे, दिल नहीं चाह रहा है, खूबसूरती इतनी है ना। ये देखें आप, उस साइड पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, यानी ये दरिया हम क्रॉस करें तो अलग सुबह शुरू हो जाता है। और इस तरफ पंजाब है, और पंजाब का जो है इस साइड से आखिरी शहर कलूरकोट, जो कि मेरा ख्याल है हमारे इलाका जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। मैंने पौधे से ये तोड़े भाई। क्या तोड़ा? ये तोड़े। चलते बाइक से जी? चलते बाइक से। चलें, थोड़ी स्पीड में निकलते हैं, वहाँ जाके थोड़ी और शूट करनी है, और यहाँ से एक और दो क्लिप ले लेता हूँ भाई के लिए ना, रोकता हूँ और आपको मिलते हैं अब डिग्री कॉलेज में। बस ठीक है, हम पहुंचे थे एक और लोकेशन पे, जहाँ के जो है ना वो अच्छी क्या कहते हैं यार, अच्छी फुटेज आएगी हमारी। और ये एक दरबार है साथ ही, नहीं नाम नहीं मालूम इसका, क्या नाम है? नहीं नहीं, ये ईदगाह नहीं है, ये कोई दरबार है। और लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे दरिया जो आके रुक गया था, आपको वो जगह भी दिखाएंगे जिस साइड से जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसे, ढलवान सी तामीर की गई है, और पीछे जो है वो दरिया सिंध है। फिर हम ये अब दूसरी लोकेशन पे आए हैं ताकि यहाँ से फुटेजेस ले सकें। ये यार शामी है, और ये खूबसूरती है जो हमने फैलाई हुई है, खूबसूरती देखिए दरिया के ऊपर ना, ये देखिए, सिर्फ गंद और गंद और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इससे एक तो आप भी पोल्यूशन कहते हैं, आप भी नहीं बल्कि वाटर पोल्यूशन होगा वो हो रहा है। और बाकी जो है ये शामी मज़े ले रहा है और चस्के लेते जा रहा है। हम भी आ जाएं, ऊंचाई आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। क्या आपके बिना कुछ नहीं? मेरे बगैर कुछ नहीं है, नहीं है। क्यों? बाइक कितनी ऊपर खड़ी होगी हमारी? बाइक बाद में दिखाएंगे हम ना, आगे चलते हैं अभी। फुल नीचे जाके ना फिर हम गहराई को दिखाएंगे। ये एक कीकर के नाम से दरख्त है, बहुत खूबसूरत जो है फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। कौन सा रंग है इनका? येलो है शायद ना, जर्दी माइल का दरबार है जिसके बारे में बात कर रहा था। ये नीचे से है और ये हमारा बाइक है ऊपर। हाँ शामी, चस आ रही है? नहीं, कोई और लफ्ज़ नहीं बना आज तक। नहीं, आपने शुरू में चस वाला लफ्ज़ कहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चस आ रही है।
ये पानी का कलर किस तरह से है यार, ब्लैक नहीं लग रहा जी? पता नहीं तुझे शहर के गटरों का पानी है या फिर वो बारिशों का पानी है ज्यादा। मुझे लगा ये वो फैक्ट्रियों का पानी। फैक्ट्री है ही नहीं कलूरकोट में, इतने खुश नसीब नहीं है हम। अच्छा। हाँ हाँ भाई, शामी मजे ले लिए फिर? मजे ले लिए, चलो वापस चलते हैं, गर्मी कुछ ज्यादा है। किस चीज़ का अफसोस है? एक तो हम गर्मी में इतने खपले हैं यार व्लॉग बनाने के लिए, ये फॉलो ही नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, फॉलो भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ये ड्रम होता है। ड्रम है जी। वो किस तरह का भाई? हम इतने गर्मी में अब खप रहे थे, कितने दूर से हम आए, अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें लाइक और फॉलो किया जाए। यार ये छोटे भाई शामी का जो है वो पैगाम है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं, ये नहीं है फोर्सफुली नहीं करना आपने, पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, वगरना खैर है हम वैसे गुजारा कर लेंगे थोड़ा बहुत। नहीं भाई करना करना भी है इन्होंने, जरूरी है। चलें भाई, शामी की फरमाइश है, अगर आपका दिल करे तो कर दें, वगरना कोई जो है वरना हमसे ना बोलना, हमारी वीडियो तक ना देखना। अच्छा, नाराज नहीं होना यार, सारे भाई हैं, अगर उन तक वीडियो पहुँचेगी तो जो है वो देखेंगे। अब सांस चढ़ चुका है, आ गए ऊपर, तो अब अल्लाह हाफिज। और यहाँ हम अपने जो है व्लॉग का, पहले व्लॉग का इख्तिताम करेंगे, और किसी अच्छे व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आपके सामने नज़र आएंगे या हाजिर होंगे। ठीक है जी, आपको बुलंदी तो नज़र आ ही रही होगी, तो ठीक है भाई जान, अल्लाह हाफिज़।